फिर मत दे विच बुद्धि दे विच रतन रतन जिहड़ा है की चीज है वैराग वैराग पैदा हो जाता है। हुण आपां रतन दा संकेती अर्थ लैणा रत रत प्रीति नूं कहिंदे ने रत ना ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉੱਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ मत विच रतन जवाहर माणिक अनाने सिहारी जे एक गुर की सिख सुनी तां माणक अखर भी आ जांदा माणिक महाराज कहिंदे ने माणक जिहड़ी चीज़ आ वो की है श्रवण मनण अभ्यासन नूं माणक कहिंदे ने। सो जिहड़े बंदे मत विच रतन जवाहर माणिक ये बैराग ज्ञान श्रवण मनन अभ्यासन उन्हां बंदियां नूं मिल जांदे ने जिहड़े गुरु की एक सिक्ख्या सुणदे ने। किहड़ी सिक्ख्या दा तां कोई मतलब नहीं बणदा सिक्ख्या की है महाराज कहिंदे जिहड़ी जीव ते ईश की एकता की सिक्ख्या सुणदे ने जे गुरु दे कोल बैठ के ये सिक्ख्या सुणदे ने कि जीव जीव आत्मा अते ब्रह्म ये दोवें एक ने जदों ये सिक्ख्या सुणदे ने ना गुरु दे कोल बैठ के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਲਾਂ फलाने देवते तो मंगला फलाने औलिए फकीर तो मंगला फलाने पैगंबर तो मंगला सारे का वो एको ही है दाता तेरे गुरु ग्रंथ साहब पिता जी ने तेरे पिता जी को सारे मंगण आते हैं इतने और तू होर घर जाएगा तेन शर्म ना होगी जे घर होंदा मंगण जाइए फिर ओलामा मिला तही महाराज गुरु नानक साहब कहने जे घर होंदया सुंदया मंगण जाइए फिर बंदे ओलामा मिलता जे राजे का मुंडा भखारी के घर मंगता फिरे अवे दही दो रोटियां तो राजे ने भी शर्म आऊगा मेरे मुंडे का दिमाग खराब हो गया क्यों भखारियों के घर तो रहे जिन्हों का मैं दाता बनया उन्हों का मंगता बन गया जाके इस करके महाराज कहने मैं तेन एक समझाती गल गुरा एक देह बुझाई अखंड चेतन देही का अभ्यास करवा दिता इस सबना जिया का एक दाता वो जिहड़ा सारिया जीयां दा एक दाता सब नूं देण वाला है वो जिहड़ा दाता ना सो वो कित्थे है महाराज कहिंदे मैं कहिंदे वो तां मेरे विच ही बैठा सो मैं सो हंग सो हंग सो हंग है ये सो हंग हंग सा जप जप हो मारू राग विच मारा वचन कीता है ये अवस्था फिर बाद जाके बन जांदी सो मैं कहिंदे वो सरूप मेरा अपना ही अपना सारिआं दा ही सरूप आ उह कहिंदे वो अपने नालों वक्खरा नहीं है सारिआं नालों सो मैं विसर ना जाई वो मैनू सरूप भुल ना जावे मैनू कदे भुलदा नहीं है वो सरूप गुरा एक दे बुझाई सभना जीआं का एक दाता सो मैं विसर ना जाई सिद्धो वो सानू चौबी घंटे गुरसिखो सरूप भुलना नहीं चाहीदा अपना मेरा सरूप की है मेरा अंदरला स्वरूप की है मेरा जिहड़ा स्वरूप है ना वो प्रकाश है मेरा होर कोई स्वरूप नहीं ना मेरा कोई अख नक कन्न बोल है ना मेरा कोई हथ पैर है जिहड़ा मेरा अपना सारिआं दे जिन्ने आपां बैठे हां अपना सारिआं दा जिहड़ा अंदर स्वरूप है ना उहदा कुछ भी नहीं है चक्कर चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जे उही तां अपना स्वरूप है सारिआं दा पर आपां अपने नूं मानदे हां देही ते देही मन्नणा अपनी बड़ी वड्डी गलती है वो महाराज कहिंदे गुरा एक देह बुझाई मैनू गुरा ने एक देह जिहड़ी है ना ये समझा दिती ये देही नाशवंत है ये देही नाशवंत है ते अंदरला स्वरूप तेरा प्रकाशमई है
ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਅਲਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੜੀ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹੇ ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਹ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਉਤਾਰਨੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 17,28,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, 12,96,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆਪਰ ਆ ਗਿਆ, 8,64,000 ਸਾਲ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ,
432,000 साल ये कलयुग की उम्र है सारी, ये बन गई 43,20,000 साल। महाराज कहने जे श्वास रोक के दसम द्वार विच चढ़ा के उम्र लंबी कर भी लईए, होर दसूनी होए, कहने होर दसूनी 10 गुणा वधा लईए, कहने 44 युग उम्र कर लईए जी अपनी इसे ढंग नाल उम्र वधा लईए, लंबी उम्र कर लैनी। हम लंबिया उम्र तो सप्प की उम्र ते कां की उम्र बड़ी लंबी मनी है। महाराज कहते नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। सो इस करके जिन्ना मर्जी लंबी उम्र होवे बंदे दी, नौ खंडा का राज कर लवे, धरती का राज कर लवे, क्योंकि उहदी उम्र इउं बतीत हो जाती है कि सिमरन तो बिना उहदी जिंदगी सड़दी ही रहिंदी है। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। कहने सप्प वांगू तड़फदा रहिंदा लंबी उम्र वाला, इन्नी लंबी उम्र कर ली। महाराज दसवें पातशाह नागे दी सरांझ नूं पहुंचे, इत्थे गुरु अंगद देव महाराज दा अवतार होया। श्री मुक्तसर साहब जांदिआं रस्ते जांदा स्थान, उत्थे सोहना स्थान देख के महाराज जी दा गुरु अंगद देव महाराज दे स्थान ते सुंदर सोहने तंबू लागे, सज गए महाराज। शाम दा वक्त है, गुरसिख इधर घूम रहे ने, उधर जा रहे ने, उधर एक परे कोई लंबी उम्र वाला साधु जोगी बैठा सी, उहदे चेले चमचे बड़ी दुनिया नूं मत्थे टेके। सो कुछ गुरसिख उधर जाके कहने महाराज एक बड़ी लंबी उम्र दा साधु बैठा उधर। वो साधु दे चेले कि उत्थे लागे ही बैठे सी, वह भी महाराज दर्शनां नूं आए। महाराज कहने हां, कहंदे उहदी उम्र 5120 साल उम्र है हुण उहदी। उहदे चेलियां नूं पता लग्गे, उह जाके साधु नूं कहंदे, कहंदे उधर गुरु आए ने। वह कहंदे बच्चा है बेचारा, 30-40 साल का बच्चा है, इहनूं की पता है गुरु बनिया फिरदा। कहंदे ना जी बच्चा कोई नहीं, थोड़ी उम्र दसी है उन्होंने 5120 साल। फिर डिगिया जिवें करंट वजदा, एकदम अखां खुल गईयां। कहंदे वाकई मेरी उह तां उम्र इन्नी हुई है, उन्होंने किदां पता लग गया, इन्ना ज्ञान है। वो खूंडी जी चुक के अपनी तुर के फिर बजुर्गों को हौली हौली दो जाने फड़ के लियाए, उत्थे आए मत्था टेकया महाराज जी नूं, रह रास दा पाठ हुंदा बैठ गया, अरदास होई। महाराज कहने आओ जोगी जी। कहने महाराज इन्नी छोटी उम्र ते इन्ना ज्ञान। महाराज कहने ये छोटी या बड़ी उम्र का भाव नहीं, गल तो यह भी असी अपना पुराना खलड़ा त्याग दिता, तू भी त्याग दे, तेरे ते ही कृपा जी, तू खलड़े का ही माण करी जाना मेरी उम्र लंबी। बंदे की जिनी उम्र लंबी होंगी उन्ना हंकार वधदा जांदा। जे कि इत्थे दुनिया च 120 साल उम्र हो जाए वो लोगों फिर दसदा क्या, आम तो वैसे पता नहीं लगता भी उम्र लंबी है, वो आपे ही गल चला हुंदा, मेरी उम्र ना बहुत लंबी है, मैं 120 साल ना, वो खुद ही दसन लग पैंदा। सो महाराज सच्चे पातशाह का ज्ञान देख के चरणों के उत्ते मत्था टेकन लग पिया। महाराज ने प्रकाश बख्शता। महाराज कहने योगी जाओ, शरीर त्याग दे अपना। कहने की खलड़े नाल मोह रखना। इस करके सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने भी सिद्धां नूं इह कहा, जे लंबी उम्र हुंदा हंकार दा वाचक हुंदा, जिहड़ी रब ने उम्र दित्ती बंदे नूं उन्नी भोगनी चाहीदी है। नवां खंडां विच जाणियां नाल चलै सब कोए। कहिंदे महाराज फिर नौ खंडां दी धरती दे उत्ते तुसीं जाणे जाओगे। धरती दे कोल नौ खंड ने, जंबू द्वीप, यह
मेरी तो जड़िया नदियां निकल दिया ने विचकारले हिस्से खंड कहते नौ खंड की कुल धरती है। अजनाब राजा होया उहदे नौ पुत्र होए ने वह नौ पुत्रां दे नाम दे उत्ते यह नौ खंड बने ने जिवें अपना भारत खंड है। यह उहदा पुत्र भारत सी जिहड़ा उहदे नाम दे उत्ते भारत खंड बनिया है। इस प्रकार नौ पुत्र उहदे होए ने इलाव्रत होया एक किंग पुरश होया है। इस प्रकार वक्रे वक्रे नौ पुराने सीगे हुणे बन गए ने जिवें आस्ट्रेलिया है वक्रा है एशिया है फिर अमरीका वक्री साइड पर है। इस प्रकार यह नौ हिस्से वड्डे ने धरती के नौ हिस्सों का मतलब नौ खंडा का मतलब हुंदा सारी धरती के उत्ते जाणिया जावे बंदा इन्नी मशहूरी हो जावे। नाल चला सब को सिद्ध कहण लगे महाराज फिर सब कोई बंदे नाल चलते जिवें आपां आम जहा बंदा उठ के जाए उन कोई जाता ही नहीं पर जे कोई बहुत वड्डा आदमी आवे वो नाल जो उठ के तुरे तो सारी दुनिया वो मगर मगर चल पैंदी है। इस तरह लोग थोड़े पिछे पिछे मोहे फिरनगे दुनिया थोड़े मगर मगर लगी फिरेगी। चंगा ना रखाए कै जस कीरत जग ले फिर बहुत चंगा तुहाडा नौ चंगे देवत्या दे नौ दे उत्ते नौ रखाउणा से जिवें अपना लो लोग नौ देवते दे नौ ते रखते हैं भी मेरा नाम फलाने देवते उत्ते ऐश चलो अड अड सारे दे नौ रख लेने। किसी दे वड्डे दा नौ जिहड़ा हुंदा वो अपना नौ रख लेना फिर नाम बड़ा वड्डा वड्डा रखना ये बड़े पहुंचे हुए महापुरुष ने चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले जस मूह दे उत्ते हुंदा फिर कीर्ति हुंदी है कि कीर्ति बंदे दे जान तो बाद हुंदी है जदों चलिया जांदा लोग बाद विच वी उहदी कीर्ति करदे महिमा करदे ने। महाराज कहण लगे जे चंगा नाउ रखा भी लगे लवे बंदा कीर्ति लै भी लवे उहदा की फायदा है एक गल दसो इहदा फायदा की है। महाराज गुरु नानक देव जी कहिंदे इन्ना कुछ हुंदा लंबी उम्र हुंदिया नवा खंडां विच जाणिया नाल सब कोई चले चंगा नाम भी होवे जस भी होवे महिमा भी होवे सब कुछ होवे पर जे तिस नदर ना आवई जे तिस वाहिगुरु की नदर विच ओह नहीं आया वाहिगुरु की कृपा रूपी नदर विच नहीं आया देखे ही तक नहीं महाराज नूं उहदे वल ये तो क्योंकि सारा कुछ मायावी प्रभाव थले आ ना लंबी उम्र भी माया है दस गुणे हो जाने भी माया है नौ खंड भी माया है नौ खंडा विच जानना भी माया है नाल उठ के सारी दुनिया ने चलना यह भी माया है चंगा नाम रखाउणा भी माया है जस कीर्त भी माया है पर तो सारी माया ही बन गई। वाहेगुरु जी ने पूछता थानू इस करके महाराज कहने जिहड़े इह जे इंसान ने सब कुछ कर करा के भी परमेश्वर की निगाह तो जे बाहर हो गए कीता अंदर कीट कर दोषी दोष तरे उन्हूं कीड़िया ने अंदर भी कीड़ा बना दिता जाता कीटा अंदर कीट कर भावें व्याकरण अनुसार कीटा अंदर कीट तो ही विश्राम आना चाहिए पर कई चीज़ां व्याकरण तो बाहर भी चलिया जाबाणी विच कीड़ियां दे अंदर भी कीड़ा बना के उन्हूं बिठाया जाता सप्पां दे विच सारे नालों भैड़ी जून सप्प है इन्हों भी कीड़ा कहने कहने नूं कीड़ा लग गया कीड़ा लड़ गया आम सीधा नाम नहीं लेंदे जां कीटा अंदर कीट कर कीटा विच कूकर भी आ जाने कूकर दे सिर दा कीड़ा बना आंदे ने जिहड़े इहो जिहे बंदे हुंदे ने बहुत ही माण प्रतिष्ठा वाले जिहड़ा अपने आप नूं बहुता वड्डा जाने फिर परमेश्वर नूं गंदगी च रोल दिंदा जो जाना मैं जो बन बंत सो होवत बिष्टा का जंत
ये सारी अष्टपदी विच ही महाराज ने ऐसे बचन किए ने, दोषी दोष धरे, फिर दोषी बंदे भी वो दोष धरते ने, कहते यह जे गुनाह तो असी भी नहीं किए, यह जे पाप तो असी भी नहीं किए, जह जे ने किए हुए ने। बारह छेवें पातशाह लदाई के पिंड संगत नूं तारदे होए घोड़े ते सवार होके जा रहे ने, जंगल का रस्ता है, वो जंगली होंदे सी तो ज्यादा। सामने एक बड़ा वड्डा फनिया नाग फण खिला रहा होया, दस बारह फुट लंबा सप काला नाग आ रहा। भाई बीरी चंद होना ने बंदूकां ताड़ लिया, तीर कमान सैन, महाराज कहने मारे ना भाई, ये अपने कोल ही आ रहा। महाराज जी घोड़े तो उतर गए, सप कोल आके फण खिलाड़ के खड़ा हो गया। महाराज ने अपना सज्जा चरण कढ़ के अपना अंगूठा वो सिर नूं छुहा दिता, छुहाउण दी देर सी सप फट गया सारा ही। जो सप फट गया तो उहदे विच्चों करोड़ां दी गिणती च निके निके चिट्टे रंग दे किरम निकले, बड़े उहदे विच्चों इक प्रकाश भी निकलिया, सामने खड़ा हो गया। भाई बीरी चंद कहिंदे महाराज ये कौन है, कहिंदे पुछ लैने आ। हाँ भाई दस तू कौन है, कहन लगे महाराज इस इलाके विच सब तो वध वड्डा विद्वान सी मैं, बड़ा दुनिया नूं मंगर लाया होया, बड़ी दुनिया ने मैनू माया दिती, बड़े मंत्र जंत्र किए मैं संसार दे, लोग मैनू हौली हौली गुरु मनन लग पे, मेरा ध्यान करन लग पे, भगती मैं कीती नहीं कोई, फिर मैं भोरा बना लिया, फिर उपर बहुत वड्डा थां बना लिया, फिर भोरे च पैसे रख के वो नोटां दीआं तैहां ला के मैं उहदे उत्ते सौंदा हुंदा सी। सो विद्वान भी बड़ा सी, इस करके मैनू हंकार भी बड़ा सी। जदों मैं शरीर छड्डिया तां मेरा ध्यान उस माया विच ही रह गया। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं, जे मरै सर पजौन बल वाल आओ तरै, ध्यान उधर रहण करके मैं सप बन गया। जिहड़ी विद्या दा हंकार सी उहदे करके मैं फुंकारे मारदा हां। जिन्हां लोकां नूं मैं इह कहिंदा सी कि मेरा ध्यान करो, मेरे चरणां दा ध्यान करो, वो मरन वेले क्योंकि मेरे च ध्यान कर लेंदे सी, इस करके वो सारे किरम बन गए, किरम बन के हुण मेरा मास खांदे ने अंदर। मैं इन्ना दुखी सी, मैं सच्चे पातशाह तुहानू ही याद करदा सी कि ते महाराज आ जाण मेरी जान छुड़ाउण। सो महाराज आ जिहड़े मेरे किरम ने कीड़े ने मेरे च पए, मेरे चेले बने हुण, इन्हां दा वी नाल भला कर दिओ। महाराज तां दयालू ने, सच्चे पातशाह कहिंदे कोई नहीं, सारे हौली हौली मनुखा जन्म लै लैणगे, गुरसिखां दे घरे आ के बाणी पढ़ के इन्हां दा ही भला हो जाएगा। कहिंदे भाई इउं गुरु बणिआ जे कोई दुनिया नूं तार सकदा हुंदा तां संसार अंदर गुरु नानक नूं आउण दी की लोड़ सी, फिर गुरु दी तां लोड़ ही नहीं, फिर तां इक दूजे बंदे दा ध्यान करके बंदा तर जांदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे इहनूं जिहड़ा बंदा इही जी गलती करदा ना गुरु बणदा, नकली गुरु बणदे ने, दुनिया नूं कहिंदे तार देंगे मेरे चरणां दा ध्यान करो मैं तैनूं शब्द दिंदा, ये कहना ही सौखा है करना बहुत औखा। सो जिवें नासक दे कोले, नासक शहर दे कोले पहाड़ी जी एरिया पैंदा, उत्थे शंकराचार्या जी कहिंदे उह तुरे जाण ते जांदिआं पंज सत नाल चेले ने, एक सप ने छोटे जे सप ने वड्डा सारा डड्डू मूँह च पा लिया, हुण छड़दा ही नहीं, हुण ना तो अगे लंघदा ना उहनूं बार छड़दा। शंकराचार्य जी कहण लगे देखो जिहड़ा नकली गुरु हुंदा ना उहदा भी इही हाल हुंदा, कहिंदा उह चेले तां बहुत बना लैंदा, ना तो आप तरदा ना उह तार सकदा, दो घंटिआं बाद मुड़ के आए तां सप ने डड्डू नूं उसे तां ही फड़िआ, डड्डू चीका मारी जांदा, सप ना तां उहनूं अंदर लंघा सकदा ना उहनूं बाहर छड़दा। नकली गुरु भी इसे तरह ही चेले बना तां लैंदे ने, ना तां किसे नूं तार सकदे ने ना तरदे ने, फिर वह चेले किरम बन के इत्थे दुनिया च ही घूमदे रहिंदे ने, गुरु भी उरे घूमदा रहिंदा।
नकली जहाज जे कोई लकड़ का जहाज बना के वो पेंट करा ले सिल्वर कलर करा के तो लोगों को आ जाओ भाई चलिए अमरीका बैठो मेरे जहाज इंजन उस बसदा भी नहीं लाया होया वो लकड़ का जहाज किवें दुनिया तार दूगा भाई। ये तो महाराज कहते हैं गुरु नानक का जहाज ही तारूगा जिन्हों तारूगा गुरु नानक के जहाज तो बिना सचखंड किसी का जहाज जाता ही नहीं। वो जिन्ने के जहाज माड़े मोटे अड़ाते ने हाँ एक जगह चलिया जाता धर्मराजे को जरूर लै जाते नरकों तक पहुँचा देंगे ने। सो महाराज सच्चे पातशाह कहते दोषी पुरश भी दोष धरते ने इन्ना तो असी भी नहीं किया गुनाह जिन्ना इस पापी आदमी ने गुनाह किया। नानक निर्गुण गुण करे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि निर्गुण आरे जिहड़े जीव ने जिन्हां च कोई गुण नहीं उन्हां दे उत्ते भी वाहिगुरु पर उपकार करके गुण दे दिंदा।